बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 3 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है। पहला है हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास जो मैंने वैल्यू लिखी है हमारे पास बुक में है, आपने अच्छे से याद कर लेना है इस फार्मूले को, और इसी के मुताबिक आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फाइंड करना है। ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारे पास? ए यूनियन जो है ब्रैकेट में हमारे पास होगा बी इंटरसेक्शन सी, और होगा ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये दोनों साइड जो होंगी हमारे पास इक्वल होंगी। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ़्ट साइड में हमें हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी पहले हमने उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी को हमने पहले किया है, तो सेट बी हमने लिख लिया, इंटरसेक्शन सेट सी लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो मीन्स दोनों तरफ जो पेयर बन रहे हैं हमारे पास हमने वो लिखना है। ठीक है। जो दोनों तरफ वैल्यू सेम है, हमारे पास दोनों तरफ ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो सेम होगी। देखें, वन इसमें है इसमें नहीं है, टू इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। हमने क्या करना है, जहाँ पर खाली सेट लिख देना है। ठीक है, खाली सेट हो गया। अब हमने क्या करना था, जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर था उसके साथ हमने ए को यूनियन करना था। क्या करना था, ए को यूनियन करना था। तो हमने यहाँ पे ए का सेट लिखा, सेट ए हमारे पास जो क्वेश्चन में सेट है वही हमने यूज़ करने हैं फॉर प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन वन में जो हमें सेट गिविन है। ठीक है जी, 3, 4 एंड 5 ये हो गया हमारे पास। अब हमने यूनियन करना है खाली सेट के साथ जो हमारे पास आंसर आया है। जब हमने यूनियन किया तो हमने तरतीब देनी है। तो अब हमारे पास ये कोई मायने नहीं रखता दूसरा सेट हमारे पास खाली है या क्या, हमारे पास हमने तरतीब देनी है। तो हमारे पास जो सेट वन में मौजूद है हम वो लिख लेंगे। ठीक है, हमने सेटअप करके लिखना होता है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड हो गई सॉल्व। अब हम राइट साइड करते हैं। पहले हमारे पास ए यूनियन बी है, हम ए यूनियन बी करते हैं। तो ए का सेट हमने लिखा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, फिर हमने बी का सेट लिखा। बी का सेट क्या है हमारे पास, 1, 3, 5, 7। ठीक है, अब हमने इंटरसेक्शन करना है, मीन्स पेयर बनाना है जो दोनों सेट में मौजूद है एक जैसा एलिमेंट वो लिखना है। यहाँ पे 1 दोनों में मौजूद है हमने 1 लिख दिया, एंड 2 नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है हमने 3 लिख दिया, एंड 5 दोनों में मौजूद है हमने 5 लिख दिया। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन, सॉरी मैंने तो यूनियन करना था, यहाँ पे यूनियन है। हमने क्या करना है, यूनियन करना है। अब हमने क्या करना है, हमने तरतीब देनी है। तो मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7 हमने तरतीब दे दी ए यूनियन बी को। अब हमारे पास जो है ए यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर है, हमने पहले वो सॉल्व करना है ए यूनियन सी। ठीक है, हमने ए का सेट लिखा 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर हमने यूनियन लिखा। हमारे पास जो सी का सेट है कौन सा है, 2, 4, 6, 8। ठीक है जी, हमने क्या करना है, ए यूनियन सी करना है। तो हमारे पास ए का सेट आ गया, यूनियन सी का सेट आ गया। अब हमने तरतीब देनी है इनको। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 8। ठीक है जी, 6 भी आएगा, 6 एंड 8 ये हमारे पास आ गया। अब हमने इंटरसेक्शन करना है। ए यूनियन बी का जो आंसर आया, फिर ए यूनियन सी का जो आंसर आया, इन दोनों के आंसर के साथ हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो हमने पहला आंसर लिखा, ए यूनियन बी का आंसर लिखा हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। ठीक है जी, फिर हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाया। अब हमने जो है ए यूनियन सी का जो हमारे पास सेट बना था हमने वो लिखा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। जो पेयर बन रहे हैं दोनों तरफ हमने वो लिखने हैं। 1 है दोनों तरफ, हमने 1 लिख लिया। 2
टू दोनों तरफ है हमने टू लिख लिया, थ्री दोनों तरफ है हमने थ्री लिख दिया, फोर भी दोनों तरफ है हमने फोर लिख दिया, फाइव दोनों तरफ है फाइव लिख दिया, एंड सिक्स दोनों तरफ नहीं है, सेवन भी दोनों तरफ नहीं है, एट भी दोनों तरफ नहीं है। ठीक है जी, जो दोनों तरफ मौजूद होते हैं वो हम लिखते हैं, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया है और यहाँ पे जो आंसर आया है दोनों आंसर सेम है। इट मींस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये दोनों आंसर हमारे पास इक्वल आ गए तो हमारे पास जो हमने प्रूव कर दिया है, कौन सा प्रूव कर दिया, ला डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, पहले हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किया था, अब हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे पार्ट फोर। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसकी जो प्रॉपर्टी हमारे पास गिविन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या है, पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हमने उसको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बी यूनियन सी कर लेते हैं। तो हमने सेट बी लिखा, हम सेट सी लिखेंगे, टू फोर सिक्स एट। हमने क्या करना है, दोनों सेट को यूनियन करना है, तो मीन्स जो तरतीब दे देनी है दोनों में से जो एलिमेंट लेके उसको सेटअप करके लिखना है। ठीक है जी, वन हो गया, टू थ्री, यहाँ से फोर लेते हैं, यहाँ से फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन करना है, जो हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आया इस आंसर के साथ हमने ए इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन। ठीक है जी, हमने क्या करना है, पहले ए का सेट लिखना है, ए का सेट हमारे पास मौजूद है वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है जी, इंटरसेक्शन का साइन लगाना है और हमारे पास जो है इसका आंसर आया है बी यूनियन सी का, हमने वो लिख देना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है जी, हमने इंटरसेक्शन करना है तो जो दोनों तरफ पेयर बन रहे हैं यानी कि इस तरफ भी मौजूद है इस तरफ भी मौजूद है सेम एलिमेंट, तो वो लिखना है, वन है दोनों तरफ मौजूद हमने वन लिख दिया, टू दोनों तरफ मौजूद है थ्री दोनों तरफ मौजूद है फोर दोनों तरफ मौजूद है एंड फाइव। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू दोनों तरफ मौजूद थी इसलिए हमने ये लिख दी। ये क्या हो गया, हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट साइड प्रूव करेंगे, तो राइट साइड में हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू, हम पहले उन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या, हमारे पास पहले ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सेट ए है हमारे पास, हम उस सेट को लिखेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है जी, अब हम बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे एंड सेट जो बी है हमारे पास वो क्या है, वन थ्री फाइव एंड सेवन। ठीक है जी, हमारे पास इंटरसेक्शन है तो हमने दोनों तरफ जो सेम वैल्यू है हमने वो लिखनी है, यानी कि अगर वन दोनों तरफ है हमने वन लिख देना है, टू नहीं है दोनों तरफ थ्री है थ्री लिख देना है, फाइव है फाइव लिख देना है। ठीक है जी, अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया, अब हमने ए इंटरसेक्शन सी करना है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, ए इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। हमारे पास है सेट ए, हम वो लिखेंगे पहले वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है जी, इंटरसेक्शन हमारे पास सेट सी है, क्या है, टू फोर सिक्स एंड एट है। ठीक है जी, दोनों तरफ हम एक जैसी वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे, यानी कि हमारे पास वन दोनों तरफ नहीं है, टू है दोनों तरफ, पेयर बना जिस चीज़ का पेयर बनता है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब फोर है इधर, ठीक है जी, एंड सिक्स नहीं है फाइव नहीं है बाकी नहीं है, तो हमारे पास ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। वो हमने इन दोनों के आंसर लेने हैं, इन दोनों के आंसर को यूनियन करना है। ठीक है जी, हमने क्या किया, इन दोनों के आंसर को यूनियन करना है, तो हमने पहले आंसर लिखा वन थ्री फाइव, वन थ्री एंड फाइव, फिर हमने यूनियन लिखा जो कि हमारे पास स्टेटमेंट गिविन है। फिर हमने क्या करना है,
हमने लिखा 2 एंड 4, जो हमारे ए इंटरसेक्शन सी का आंसर है हमने वो लिख देना है। अब हमने यूनियन करना है यानी कि तरतीब देनी है, ठीक है जी। हमने क्या करना है, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें हमारा ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, इट मींस हमने प्रूव कर दिया कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जो कि कह रहा है हमसे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने लेफ्ट साइड को लिखा, राइट साइड को सॉल्व किया, दोनों तरफ जो हमारे पास आंसर आए वो इक्वल आए, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, ये दोनों साइड के आंसर इक्वल होंगे, इनके बुक में आंसर नहीं है, हमें बस अगर हमारे आंसर दोनों तरफ के इक्वल आ रहे हैं तो इट मीन्स हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है जी। आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो जी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हाफिज़, टेक केयर।